हाँ तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लक्षण के बारे में बताएंगे। अगर किसी के ऊपर ऐसे लक्षण हैं, तो समझे स्वयं साईं बाबा की उस पर असीम कृपा है और उस भक्त के ऊपर साईं बाबा का हाथ है और उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भक्तों, साईं बाबा भक्तों की आस्था के प्रतीक है और हर भक्त की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं और कण कण में साईं का वास है। साईं बाबा को दया की मूर्ति कहा जाता है। साईं बाबा कभी भी अपने भक्तों पर भेदभाव नहीं करते। साईं बाबा को प्रसन्न करने के लिए ना ही किसी मंत्र की आवश्यकता है, ना ही किसी अनुष्ठान की। बाबा भक्तों के भाव के भूखे हैं और भक्तों की पुकार सुनकर वे दौड़े चले आते हैं। तो भक्तों, आइए अब हम जानते हैं उन व्यक्ति के लक्षण के बारे में। लेकिन भक्तों, उससे पहले अगर आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को आपके चैनल की वीडियो सर्वप्रथम प्राप्त हो जाए। साथ ही अगर आप सभी इस चैनल के पर्सनल मेंबर बनना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन जरूर करें। साईं बाबा की कृपा प्राप्त व्यक्ति हमेशा साधारण जीवन जीना पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति दिखावे के गुण से रहित होता है और ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करते हैं। वे भूल कर भी कभी किसी के भी साथ कटु शब्द में बात नहीं करते हैं और कभी भी किसी भी का जान पूछ कर वह अपमान नहीं करता है। साईं बाबा की कृपा प्राप्त व्यक्ति हमेशा पशु प्रेमी होता है। कभी किसी मासूम जानवरों पर वह अत्याचार नहीं करता। जिस प्रकार नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, फल लगा वृक्ष कभी भी अपने फल को नहीं खाते, बादल अपने द्वारा लगाए गए अनाज को नहीं खाते, साईं बाबा की कृपा प्राप्त व्यक्ति अपना जीवन सदैव परोपकार में बिताता है। ऐसे व्यक्ति सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। वे इंसान हमेशा दूसरों को खुशी देने के उद्देश्य से ही परिश्रम करता रहता है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार वृक्षों में फल आने से वे झुक जाते हैं, पानी से भरे जो बादल रहते हैं वे आकाश में नीचे आने लगते हैं और साईं बाबा की कृपा प्राप्त व्यक्ति समृद्धि से कभी भी मतलब घमंडी नहीं बनते। वे लोग सदैव परोपकार ही करते रहते हैं। भक्तों, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल बलवान होने के बाद भी क्षमाशील होता है और किसी पर वह अत्याचार ना करने वाला हो और वो व्यक्ति कभी भी अपने बात पर घमंड ना करता हो, वे साईं बाबा के बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं। साथ ही जो व्यक्ति निर्धन होता है और उसके बाद भी दानवीर होता है, उसके पास कुछ ना होने के बाद भी वह दूसरों को दान देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और सदैव दूसरों की मदद के लिए आगे आता है, ऐसे व्यक्ति पर साईं बाबा की सदैव कृपा बनी रहती है। जो व्यक्ति दुर्लभ वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रखते और नाशवान वस्तुओं के विषय में शोक नहीं करते और जो विपत्ति आने पर घबराते नहीं हैं और उस विपत्ति का वे सभी डटकर सामना करते हैं, उन भक्तों के ऊपर साईं बाबा का साथ सदैव साथ रहता है। तो भक्तों, ये थे वो लक्षण जिन्हें देखकर सुनकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि साईं बाबा की कृपा आप पर है कि नहीं। साथ ही आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय साईं राम।